बच्चों नमस्ते। बच्चों, विभिन्न राज्यों की संस्कृति अलग अलग होती है। हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ के पर्यटक स्थल जैसे बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात, सरगुजा का मैनपाट, भोरमदेव जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं, यहाँ की लोक संस्कृति की अपनी विशेषता है। आज हम ऐसे ही भारत देश के एक पर्यटक स्थल कर्नाटक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। यहाँ सोने की विशाल खाने हैं और जहाँ चंदन के पेड़ भी पाए जाते हैं और रेशम भी पाए जाते हैं। अपने गौरवशाली इतिहास तथा विशिष्ट संस्कृति के कारण इस राज्य ने देशवासियों का और विदेशियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14, रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक। दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है कर्नाटक। दक्षिण भारतीय चारों राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका प्रमुख स्थान है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश है। इसकी दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी है। कर्नाटक की पश्चिमी सीमा गोवा तथा अरब सागर का स्पर्श करती है। कर्नाटक की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। उद्योगों की दृष्टि से कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है। अग्रणी मतलब सबसे पहला। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के कारण कर्नाटक की पहचान दुनिया भर में हो गई है। यहाँ दूर संचार, बैंकिंग, इस्पात, सीमेंट, कॉफी, रेशम उद्योग आदि बड़े स्तर पर संचालित हैं। संचालित यानि चल रहे हैं। कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पर है। चित्र में देख रहे हो बच्चों, कोलार जो स्थान है जहाँ सोने की खान है, उसका चित्र यहाँ दिया हुआ है। कहते हैं कर्नाटक की संपन्नता का कारण सोने की खान, चंदन के वृक्ष और रेशम है। कर्नाटक के वनों में चंदन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी, तेल, इत्र, अगरबत्तियाँ, सुगंधित पाउडर आदि कर्नाटक के चंदन वनों के प्रमुख उत्पाद हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर टाइगर रिजर्व अत्यंत प्रसिद्ध है। हाथियों के झुंडों को मस्त मौला अंदाज में सड़क पार करते या जल स्रोतों के पास क्रीड़ा करते सहज ही देखा जा सकता है। क्रीड़ा मतलब खेलते हुए। चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं। कर्नाटक के प्रमुख शहरों में बेंगलोर जिसे बेंगलुरु कहते हैं, मैसूर, हुबली, बेलगाम तथा मैंगलोर हैं। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल नामक कारखाने में वायुयान बनाए जाते हैं। बेंगलोर में इसरो का उपग्रह केंद्र है, जो उपग्रहों की डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन करता है। बेंगलोर में उपग्रह प्रक्षेपण का नियंत्रण और परिचालन होता है। बेंगलोर को बागों का शहर कहा जाता है। बाग का अर्थ होता है बगीचा। चित्र में आप देखिए बच्चों, बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है। लाल बाग का चित्र। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है। बगीचे में एक मछली घर भी है, जहाँ अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ रखी गई हैं। बेंगलोर का विधान सौध अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण जाना जाता है। हुबली और मैंगलोर कर्नाटक के बंदरगाह हैं। मैसूर यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। विशेष अवसरों पर रात में बिजली के हजारों बल्ब जलाकर जब यहाँ पर प्रकाश किया जाता है तो पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखता है। यहाँ का विशाल फिलोमेना गिरजाघर भी देखने योग्य है,
गिरजाघर जिसे चर्च कहा जाता है, यहाँ के चिड़ियाघर का अपना ही आकर्षण है। मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक पहाड़ी है, जहाँ चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। बच्चों चित्र में देखो, पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है। प्रतिमा का अर्थ है मूर्ति, जिसका यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी ने वध किया था। वध का अर्थ होता है हत्या या मारना। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा। चामुंडी हिल के रास्ते में नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसे एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया है। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। बच्चों चित्र में देखो, इसकी शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते फव्वारों को देखने बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है यानी इकट्ठी होती है। उद्यान के एक ओर कावेरी नदी पर विशाल कृष्णराज सागर बांध है। मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम एक दर्शनीय स्थल है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी था। यहाँ का प्राचीन श्रीरंगनाथ मंदिर एवं पुराना किला दर्शनीय है। मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। बच्चों चित्र में देखो, गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है। 12 वर्षों में एक बार इसका महामस्तकाभिषेक होता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। यहाँ के विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर दर्शनीय हैं। हासन में उपग्रह नियंत्रण केंद्र हैं। कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थलों में जोग प्रपात है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर में प्राचीन स्मारक हैं। प्राचीन मतलब बहुत पुराना। गोकर्ण, उडुपी, धर्मस्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। कर्नाटक में पुरुष धोत्रा, जो एक प्रकार की धोती होती है, उसको पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। बच्चों चित्र में देखो, महिलाएं अपने जूड़े में फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांभर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। बच्चों चित्र में देखो, इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयादशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। विविध का अर्थ होता है बहुत सारे, विभिन्न प्रकार के, जिनमें देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य सामग्री बहुत लोकप्रिय है। बच्चों चित्र में देखो, मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। भारत की गौरव वृद्धि में कर्नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, आप सबने कर ली कर्नाटक की सैर? अच्छा लगा ना आप सबको ये पाठ? अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। भारत के सभी राज्यों की भाषा, पहनावा तथा खान पान अलग अलग हैं, जो इन्हें विशिष्ट बनाते हैं। आज हमने कर्नाटक राज्य के बारे में जाना, वहाँ के पर्यटक स्थानों के बारे में जाना। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कर्नाटक में सोने की खान कहाँ है? बच्चों क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान में है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल कौन सा है? हमने आपको पढ़ाया था ना,
बिल्कुल सही, इसका उत्तर है मैसूर का सर्वाधिक प्रसिद्ध महल लक्ष्मी विलास महल है। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला में किसकी विशाल प्रतिमा है? इसका उत्तर है बच्चों श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। बच्चों अगला प्रश्न है कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं क्या है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है कर्नाटक की 3 प्रमुख वस्तुएं हैं चंदन, सोना और रेशम। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां बनाओ। बच्चों खंड अ और खंड ब में कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको उनके सही शब्द चुनकर जोड़ियां बनानी हैं। तो खंड अ में क्या क्या शब्द दिए हुए हैं? क कृष्णराज सागर, ख गोमतेश्वर बाहुबली, ग श्रीरंगपट्टनम, घ यक्षगान, अंग महिषासुर, च रसम। खंड ब में खाद्य पदार्थ, टीपू सुल्तान, श्रवण बेलगोला, कावेरी नदी, लोकनाट्य और दैत्य। बच्चों अब हम इसकी सही जोड़ी बनाएंगे। तो कृष्णराज सागर की सही जोड़ी कौन सा शब्द बनेगा? कृष्णराज सागर जो बांध है वो कावेरी नदी पर बना है, तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी। बच्चों अगला है गोमतेश्वर बाहुबली, और हमने क्या पढ़ा था? बिल्कुल सही, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, तो इसकी सही जोड़ी क्या होगी? श्रवण बेलगोला। अगला शब्द है श्रीरंगपट्टनम, इसकी सही जोड़ी? बिल्कुल सही, सही जोड़ी होगी टीपू सुल्तान। अगला शब्द है यक्षगान, इसकी सही जोड़ी क्या होगी? बिल्कुल सही, लोकनाट्य। और अगला शब्द है महिषासुर, महिषासुर की सही जोड़ी होगी दैत्य। और अंतिम शब्द है रसम, रसम क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, सही जोड़ी क्या होगी? खाद्य पदार्थ, रसम एक खाद्य पदार्थ है। बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलो, और वो एक वचन वाले शब्द कौन कौन से हैं? लड़की, बेटी, रोटी, पोटली, कटोरी, इसको आपको बहुवचन में बदलना है। तो लड़की का क्या होगा? लड़कियां, बिल्कुल सही। और बेटी का बहुवचन? बेटियां। इसी प्रकार रोटी का बहुवचन होगा रोटियां, और पोटली का पोटलियां, और कटोरी का कटोरियां। बच्चों अभी हमने अभ्यास कार्य किया, अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। पहला प्रश्न है बेंगलोर के लाल बाग की विशेषताएं लिखो। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखो। और अगला है छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थलों की सूची बनाओ और उनका महत्व लिखो। बच्चों कर्नाटक की सैर आपने की है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन स्थल हैं उनके नाम आपको लिखना है, सूची बनाना है और उनका महत्व भी लिखना है। बच्चों अगला गृह कार्य है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। शब्द हैं उत्पत्ति, आकर्षण, अंतर्गत, भव्य भूमि, दर्शनीय, कर्नाटक, आधारित, निराली, श्रद्धापूर्वक और उन्नति। तो बच्चों इन नीचे लिखे हुए शब्दों में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको आपको सुधार कर शुद्ध करके लिखना है। जैसे एक उदाहरण है उत्पत्ति, उत्पत्ति में कौन सी मात्रा दी गई है? शब्द जो लिखा है उसमें बड़ी ई की मात्रा दी गई है, तो ये शब्द को आपको सुधारना है। जैसे सुधार कर लिखा हुआ है उत्पत्ति, जिसमें ती में त में छोटी ई की मात्रा दी गई है, ये शुद्ध है। तो इसी प्रकार से बाकी शब्दों को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों आज यहीं तक, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।